हां जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस मेडिकल सीरीज में। हमने इस मेडिकल सीरीज में आपके हर एक डाउट को एड्रेस करने की कोशिश करी है, वो भी बहुत ही सिंपल भाषा में। मैं तो डॉक्टर साहब का फैन हो गया, बिकॉज जितनी सिंपल तरीके से एकदम देसी भाषा में चीजों को एड्रेस करते हैं सब कुछ क्लियर हो जाता है। आज की वीडियो में हमने टॉपिक चूज करा है कि आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए टैटू पॉलिसी क्या है, इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस निकालती है आर्म्ड फोर्सेस, जिसको लेके हमेशा कंफ्यूजन रहती ही रहती है। तो सर होता क्या है, कुछ तो बच्चे टशन टशन में भी टैटू बनवा लेते हैं ठीक है, कोई प्रेमी होता है, कोई कुछ होता है, तो थोड़ा सा इस टैटू पॉलिसी के बारे में अगर आप बता पाए तो बहुत अच्छा होगा। सर ओवर टू यू। सर जी सर, सबसे पहले तो मेरा यह सलाह रहेगा कि जब भी आपको इच्छा हुई कि हम फौज में जाएंगे तो कृपया किसी भी तरह का टैटू आप अपने शरीर में ना बनवाएं। हमारे फौज में टैटू का गाइडलाइन बना हुआ है जो कि समय समय पर रिव्यू होता है। अभी फिलहाल जो टैटू के लिए जो मेरा गाइडलाइन है उसमें ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो नॉन ट्राइबल जो हैं उनका जो टैटू अलाउड है उसको मैंने पिक्चर से यहाँ पर डिस्प्ले किया है। हाथ में आपका इस जगह पर और इस जगह पर एल्बो से लेके रिस्ट तक में ये जो रिंग बनी हुई है यहाँ पर आपको एक छोटा टैटू अलाउड है। हाथ के पीछे इस जगह पर ये जो रिंग बनी हुई है यहाँ पर आपको छोटा टैटू अलाउ है। वो टैटू जाति सूचक नहीं होना चाहिए, धर्म सूचक नहीं होना चाहिए और सेक्सुअली रिलेटेड टैटू नहीं होना चाहिए। बाकी इन सब जगहों पर आप का अगर टैटू है और शरीर के किसी भी जगह पर है तो वो आर्मी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ट्राइबल्स में उनको अपने कस्टम के मुताबिक जो उस बेल्ट में अलाउड है उनको अपने वहाँ के डीसी कलेक्टर डीएम से लिखवा के एक सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। तो उसमें आर्मी में क्राइटेरिया दिया हुआ है कि ट्राइबल्स को वो किस लेवल तक के टैटू को अलाउ करेंगे, तो ट्राइबल्स को कुछ टैटू अलाउड हैं, बाकी नॉन ट्राइबल्स को हमने आपको पिक्चर क्लियर कर दिया है। इसमें भी अगर आप टैटू बनाए हैं जो कि लग रहा है कि शायद कहीं आपको इसमें क्वायरी ना हो जाए, तो अब ट्रीटमेंट आ गया है लेजर का जिससे कि आप उसको हटा सकते हैं। तो आपको अगर डाउट है तो आप उसको जो है सो लेजर सर्जरी से आप हटवा सकते हैं। इसलिए मैं पिक्चर क्लियर कर दिया है तो इसको फॉलो करें। एक पॉइंट तो सर ने बिल्कुल सही बोला स्टार्टिंग में, अगर आप डिफेंस फोर्सेस में जाने की सोच रहे हैं तो अगर अभी तक आपने टैटू नहीं बनवाया ना तो किसी भी टाइप की हरकतें ना करें और आप कोई टैटू ना बनवाएं, अपने आप को बेवजह की कॉम्प्लिकेशंस में डालने की नीड ही नहीं होनी चाहिए। जब सिंपली काम चल सकता है सिंपली काम चला लिया जाए। बाकी फिर भी जो गाइडलाइंस जो दी है आर्म्ड फोर्सेस ने, सर ने आपको क्लियरली बता दी कि कहां कहां पे किस किस बॉडी पोर्शन पे अलाउ है। तो बस मेरे हिसाब से तो इस वीडियो में इतना इनफ रहेगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो जरूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने सारे यारों दोस्तों के साथ। एंड हमारे जो एफर्ट्स लग रहे हैं मेरे हिसाब से इतना तो बनता ही है भाई, सर के मतलब सर का तो मैं फैन हो चुका हूँ सच में, कितनी जबरदस्त तरीके से आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ठीक है भाई। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें आप। जय हिंद जय भारत।